तो आज इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्योरी गेम में आ चुकी है स्केरी टीचर मिस्टी, जो बच्चों को बेहोश करके उसे किडनैप कर लेती है और अपने स्कूल में ले जाकर उसे टॉर्चर करती है। ओके गाइस, तो आज है हमारे स्कूल का पहला दिन और हम चलते हैं स्कूल और देखते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे टीचर्स हैं और कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं। देखो भाई, स्टूडेंट से मेरी अक्सर लड़ाई हो जाती है, पता नहीं भाई, मेरे को शायद से पढ़ाकू बच्चे पसंद नहीं आते। ठीक है, मैं हूँ एक बैक बेंचर तो मुझे पढ़ाकू बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं लगते हैं। तो गाइज, एक काम करता हूँ, मैं फटाक से स्कूल चलता हूँ और देखता हूँ कि भाई स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट आज पढ़ाया जाएगा। भाई मैं अपने बैग में तो सारा सब्जेक्ट ले चुका हूँ अब, लेकिन मुझे पता नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं आज मास्टर जी। लेकिन गाइज, हो सकता है कि आज पढ़ाई ही ना हो, क्योंकि स्कूल का पहला दिन है और स्कूल का पहला दिन बहुत मस्त होना चाहिए, पढ़ाई नहीं होना चाहिए स्कूल के पहले दिन में। ओके गाइज, तो फाइनली हम स्कूल तक पहुंचने ही वाले हैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ स्कूल, अब चलो चलते हैं क्लासरूम के अंदर। एक मिनट भाई, मेरे पीछे कोई है क्या? अरे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा कि मेरे पीछे कोई है? अरे भाई, ये क्या हुआ था मुझे? किसने मारा था मुझे? और ये क्या भाई, ये मैं कहाँ पे आ गया? और ये तो मिस्टी है, स्केरी टीचर मिस्टी। अबे यार, मैं यहाँ पे कैसे आ गया? अरे बच्चे, इधर आ। ये मुझे बुला रही है क्या? हाँ, तुझे बुला रही हूँ, इधर आ। अबे यार, चलो चलते हैं गाइस, क्या बोलती है देखते हैं। भाई साहब, क्या हुआ मैम, बोलो। चलो बताओ, भैंस बड़ी या अकल बड़ी? मैम, अकल बड़ी। नहीं, गलत जवाब दिया तुमने। अरे मुझे मारा क्यों मैम? अरे यार, मैं कहाँ पे आ गया गाइस? अबे यार, ये तो मुझे मार रही है भाई। अरे यार, ये क्या, ये तो कटर ले लिए भाई, ये मुझे काट देगी क्या? मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। भाग जा भाई, जल्दी भाग जा, जल्दी भागो भाई। ये कि मैं कहाँ पे आ गया, फाइनली मैं बच गया उससे। अरे यार, ये स्केरी टीचर मेरे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम में कैसे आ गई? अब मैं यार क्या करूँगा भाई, ये तो पीछा करते करते मेरे यहाँ तक आएगी। भाई मेरे को कुछ इलाज खोजना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे स्केरी टीचर को मारने के लिए। भाई ये बहुत खतरनाक टीचर है, भाई मुझे नहीं पता था कि मेरे स्कूल में ये टीचर आई है। लेकिन एक मिनट, मुझे लगता है कि ये मेरे स्कूल की नहीं है बल्कि ये कोई और स्कूल की है भाई, इसने मुझे स्कूल के बाहर से किडनैप कर लिया था। अबे यार, फाइनली मैं घर आ गया भाई, अब चलो जल्दी से चलते हैं घर के अंदर। भाई ये मुझे मार ना दे भाई। ओके गाइस, तो एक दोस्त था मेरा जो कि मुझे बता रहा है कि एक लड़का है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है। तो गाइस, उस लड़के का नाम है निक, जो कि मेरी मदद करेगा स्केरी टीचर को यहाँ से भगाने में या फिर मारने में। लेकिन गाइस, वो रहता है वहाँ पे, ये देखो ऊपर जो दिख रहा है ना, वहाँ पे रहता है, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक है भाई। तो चलो गाइस चलते हैं, कोई बात नहीं भाई, स्केरी टीचर से और भी ज़्यादा खतरनाक क्या ही चीज़ हो सकता है। तो मैं फटाक से अपनी साइकिल पर बैठता हूँ और चलता हूँ उस स्टंट को देखने के लिए भाई, वो रास्ता को देखने के लिए चलते हैं गाइस। आखिर कैसा रास्ता है देख ही लेते भाई, अगर इजी होगा तो कर लेंगे, हार्ड होगा तो भी कर लेंगे भाई, क्योंकि भाई मुझे स्केरी टीचर से बचना है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है भाई, तो वो स्टंट मुझे लगता है इधर से ही शुरू होगा, रुक जाओ। ओके गाइस, तो यहाँ से ये स्टंट शुरू होगा जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा मुझे, लेकिन गाइस क्या करूँ, मुझे करना पड़ेगा और इस बाइक से मुझे ये स्टंट करना पड़ेगा। तो चलो भाई करते हैं ना, क्योंकि भाई उसे मारना है मुझे, कुछ भी हो जाए आज स्केरी टीचर को मैं नहीं छोड़ सकता। ओके, तो ये थोड़ा डेंजर होने वाला है, यहाँ पे ये घूमता हुआ, वेट भाई साहब, पहली बार में गिर गया। अरे यार, ये तो पहले ही मुझे हार्ट दिखा दिया भाई, मेरे को आराम से करना पड़ेगा। चलो अच्छा हुआ कि मैं सामने से गिरा भाई, वरना दूर जाता मेरे को दूर से आना पड़ता, दूर अगर गिरता तो। ओके फाइनली बहुत सामने से मैं गिरा हूँ। ओके, तो ये रहा ये कंटेनर भाई, घूमते हुए कंटेनर से जाना बहुत ही खतरनाक होता है। देखो भाई, इसका वेट करते आने का, आ जाओ कंटेनर, जल्दी आ जाओ। और भाई साहब देख रहे हो, वहाँ पे पब्लिक लोग हैं, लेकिन गाइस वो लोग दिन दाड़े घूम रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता कि उनका बच्चा स्कूल में नहीं बल्कि किडनैप हो चुका है भाई। ओके, वेट, अरे भाई मर जाता भाई, ये खतरनाक है, ये खतरनाक रास्ता है उसके घर तक जाने का।
भाई मुझे नहीं पता था कि वो इतने खतरनाक रास्ते पे रहता है, लेकिन गाइस मुझे लगता है कि उसका घर नहीं है खतरनाक रास्तों में, मुझे लगता है कि वो खेलने के लिए निकला है भाई। ओके ये रहा, मुझे फटाक से चढ़ना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई मैं गिर जाऊँ। अरे भाई कहाँ जाना है? ओके ओके फाइनली मुझे मिल चुका है। ओ भाई साहब, भाई साहब ये क्या? अरे यार यहाँ पे गाड़ी फंस चुकी है मेरी, निकल नहीं सकता क्या मैं यहाँ से? ओके भाई तो मैं किसी तरह से बच चुका हूँ, अब चलो भाई आगे चलते हैं। और ये क्या भाई, भाई इतना पतला रास्ता से कोई जा सकता है क्या? भाई साहब ये मिशन किसने बनाया भाई? वेट भाई ये तो बहुत पतला रास्ता है। ओके ओके फाइनली मैं निकल गया। और यहाँ पर ये क्या, ये घूमता हुआ कंटेनर है? अबे मेरे को पहले जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब मेरे को लगा इसके ऊपर से मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं भाई, अच्छा हुआ यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना हुआ था भाई। फाइनली फाइनली मैं बच गया, अब इसके ऊपर से मुझे चढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा भाई आगे कौन सा रास्ता है। मुझे तो लगता है कि कोई खतरनाक रास्ता ही होने वाला है। ओके नीचे रास्ता था क्या? अरे भाई नीचे गिरता तो मर जाता मैं। ओके ओके फाइनली मैं अभी बहुत आगे आ चुका हूँ। ओ भाई साहब ये तो मेरी गाड़ी के आगे चक्का उठ चुका था भाई। ओके तो यहाँ से मुझे निकालना है। अरे भाई ये क्या, अरे यार ये क्या क्या बना देते हो कभी कभी, बीच बीच में अच्छी चीज़ बनाओ। और ये रही पेड़, और यहाँ पर ये विडमिल आ चुका है भाई। विडमिल ना हो तो पार्कोर अच्छा लगता ही नहीं है, ठीक है। ओके गाइस तो ये तो बहुत ईजी था, मैं इसे बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन भाई ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है। ओके फाइनली और ये भी हार्ड होने वाला है, अगर मैं समय पे ना निकालूँ तो ये मुझे सीधा नीचे गिरा देगा, ठीक है। ओके यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, नीचे जाना है क्या? भाई रास्ता दिखता भी नहीं है, इतना खतरनाक। और ये देखो भाई यहाँ पे फिसलन अलग है, अगर मैं इसमें खड़ा रह जाऊँ ना तो मैं नीचे गिर जाऊँगा, इसलिए मुझे फटाफट यहाँ से जाना पड़ेगा भाई। और यहाँ पर देखो गाइस ये क्या, मुझे लगता है यहाँ पे पतला दीवार है भाई। ओ भाई साहब, भाई साहब मुझे बहुत बच बच कर चलाना पड़ेगा, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है भाई। ओके 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 तो मुझे यहाँ पर एक मिनट गिरना नहीं है। वेट अरे भाई साहब इतना खतरनाक रास्ता। ओके गाइस तो ये कंटेनर जैसे ही जाएगा तो मुझे जाना पड़ेगा। ओके अब मैं जा सकता हूँ फाइनली। और भाई ये क्या है, ये क्या है? ओ भाई साहब, भाई साहब बच गया मैं, भाई मैं सोचा गया। ओके ओके ये भी गया। ओके मुझे यहाँ जाना चाहिए। ओके फाइनली जल्दी से हट जा कंटेनर, वरना चला जाऊँगा मैं। ओके भाई साहब किसने बनाया ये मिशन? अरे भाई ये मैं फिसल रहा हूँ इससे। ओके भाई, अरे भाई साहब आगे देखो भाई, ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है भाई, वो नीक इतना खतरनाक रास्ता में रहता है। भाई साहब क्या बोलूँ भाई, आजकल के बच्चे भी खतरनाक होते हैं भाई, आजकल के बच्चे नूब नहीं होते भाई, डायरेक्ट प्रो पैदा होते हैं। ओके तो मैं अभी तक बहुत दूर रास्ता पहुँच चुका हूँ, और मुझे जाना है, वेट कहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है भाई, वहाँ मैं जैसे जाऊँगा तो वहीं पर नीक है, मुझे ऐसा बताया है मेरे दोस्त ने, देखता हूँ कि भाई वहाँ पर नीक है या नहीं। अरे भाई साहब ये क्या है भाई। ओके तो मैं फाइनली पहुँचने वाला हूँ उसके पास। ओके तो थोड़ा सा रास्ता बचा है, और यहाँ पर ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है भाई, ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। ये देखो वहाँ पे भी विडमिल लगा हुआ है भाई, मैं क्या बताऊँ भाई। ओके तो ये बिल्डिंग के ऊपर से मुझे जाना है भाई, मुझे कुछ ज़्यादा स्पीड में नहीं करना है, ठीक है, अगर मैं स्पीड में करूँगा तो मैं नीचे चला जाऊँगा। ओके तो इस विडमिल को पार करते ही मैं पहुँच जाऊँगा निक के पास, और देखता हूँ कि भाई वो क्या कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे वो खेलने के लिए आया है क्या इतना दूर। ओके गाइस तो ये रहा निक, और ये यहाँ पर मोन्स्टर थार लेकर आ गया था। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या हुआ, मिस्टी ने तुम्हें भी किडनैप कर लिया था क्या? अरे ये सब इसे कैसे पता भाई? अरे कैसे पता तुम्हें ये सब, तुम कैसे जानते हो इसके बारे में? अरे फ्रैंकलिन भैया उससे बचकर ही तो मैं इतना ऊपर आया हूँ, वो मुझे पकड़ ना ले। अच्छा ये बात है, तो तुम्हारे पास कोई उपाय कि नहीं उसे मारने का? फ्रैंकलिन भैया आप घर जाओ, वो आपको खोजते खोजते आपके घर आएगी, जिसके बाद मैं अपने थार से उसे मार दूंगा, ठीक है समझ गए? अच्छा ये बात है क्या, ठीक है मैं घर जाता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं मैं घर जाता हूँ।
ओके गाइस, तो फाइनली मेरी निक से बात हो चुकी है और उसने मुझसे कहा कि आप घर जाओ क्योंकि मिस्टी आपको खोजते खोजते घर आएगी आपके। और जैसे ही वो हमारे घर आएगी, निक अपने मोन्स्टर थार से उसे कुचल डालेगा। तो चलो गाइस, फाइनली हम नीचे चलते हैं और अपने घर के अंदर चलते हैं भाई। तो घर जाने का रास्ता इधर से ही है, देख सकते हो भाई, बहुत ही खतरनाक रास्ता है, लेकिन भाई मैं किसी से नहीं डरता। ओके, फाइनली मैं नीचे आ चुका हूँ, तब चलो फटाक से चलते हैं घर गाइस और देखते हैं कि भाई निक उसे मार पाता है या नहीं। क्या वो थार से उसे मार पाएगा, या फिर भाई वो बच जाएगी, या फिर वो मुझे मार देगी, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भाई। ओके, तो मेरा घर पहुंचने वाला हूं मैं, चलो फटाक से। ओके, तो मैं आ चुका हूं घर, अब मैं इंतजार करता हूं उस बुढ़िया का, यानी कि मिस्टी का, देखता हूं कि वो आती है कि नहीं। अरे कब आएगी मिस्टी भाई, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। अरे आ गई मिस्टी, लेकिन भाई वो निक कहाँ रह गया, ये मुझे मार देगी भाई। ओके, फाइनली निक आ चुका है।